बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे अज्ञेय जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक कविता। देखिए, इस कविता में अज्ञेय जी ने जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि वास्तविक जीवन है वो कठिनाइयों बाधाओं के साथ संघर्ष करने में ही विकसित होता है। इस कविता में अज्ञेय जी ने जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि जो वास्तविक जीवन है वो कठिनाइयों बाधाओं के साथ संघर्ष करने में ही विकसित होता है, अर्थात व्यक्ति को सुखों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको जीवन जैसा है उसी प्रकार जीना चाहिए। इसी बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है। देखिए कविता, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, मैं कब कहता हूं जीव विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। देखिए कब कहता है, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कभी कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि संसार में भयंकर कठिन गति माने चाल, भयंकर कठिन चाल के अनुकूल बन जाए, अर्थात मैं इस संसार में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए, मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। आगे, मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बनूं, मरु माने होता रेगिस्तान, नंदन कानन, कानन माने वन होता है, नंदन कानन ये देवताओं का वन, देवताओं के वन को क्या कहते हैं नंदन कानन। देखिए आगे अज्ञेय जी कहते हैं, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरा जो रेगिस्तान रूपी जीवन है, वह नंदन वन अर्थात देवताओं के बगीचे का फूल बन जाए, मैं यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहे, आगे देखिए, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, काटा कठोर होता है तेज यानी नुकीला होता है, उसी में उसकी मर्यादा होती है, उसी में उसका स्वाभिमान होता है, मैं यह नहीं चाहता कि वह घटकर बगीचे का ओछा माने तुच्छ, फूल बन जाए, अर्थात मैं यह नहीं चाहता कि जीवन में कष्ट न हो, जब जीवन में कष्ट ही नहीं होंगे तो जीवन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा, मैं कब कहता हूं यह वह घटकर प्रांतर का ऊंचा फूल बने, मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। आगे अज्ञेय जी कहते हैं कि यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है, मैं यह नहीं चाहता कि युद्ध लड़ते हुए मुझे कोई चोट न लगे,
मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्रेम करूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्रेम करूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। मैं ऐसा भी नहीं चाहता, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊँ और विश्व विजेता बन जाऊँ, संसार मेरे चरणों में झुक जाए। प्रासाद माने होता महल, प्रासाद माने महल। और मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा एक बड़ा सा महल बन जाए, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा एक बड़ा सा महल बन जाए या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा संसार श्रद्धा के साथ मुझे याद करे। धुंधली याद कि सारा संसार श्रद्धा के साथ मुझे याद करे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।